इस वक्त हम बस्ती रोडा टिब्बा गरबी के अंदर मौजूद हैं। और ये बाबा जी अभी बता रहे थे कि दो दिन तक यहाँ पर किसी आदमी ने रुख नहीं किया और दो दिन तक ये बस्ती हमारी फाकों के अंदर मुब्तला रही है। हम इस वक्त हम बस्ती रोडा टिब्बा गरबी के अंदर मौजूद हैं और बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बता रहे थे कि जिस वक्त सैलाब का रेला तेज़ी के साथ आया तो यहाँ उसने सड़क को भी तोड़ दिया और ये साथ में ये बाबा जी की बस्ती है। तो बाबा जी अभी ये फरमा रहे थे कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो यही समझ रहे थे कि शायद इनकी बस्ती वो ज़ेरे आब आ चुकी है। और जब वो लोग सुबह को आए तो उन्होंने देखा कि इनकी बस्ती सालिम है। तो उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने बड़ी कोशिश के बाद इस बंद को बांधा और जिसकी वजह से इनकी बस्ती मुतासिर होने से बच गई है। लेकिन अभी भी इन लोगों ने अपना सामान ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर लाद कर रखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि कहीं दोबारा सैलाबी रेल आए और इनकी बस्ती मुतासिर हो जाए। ये बाबा जी अभी बता रहे थे कि दो दिन तक यहाँ पर किसी आदमी ने रुख नहीं किया और दो दिन तक ये बस्ती हमारी फाकों के अंदर मुब्तला रही है। हम इन बाबा जी से पूछते हैं कि जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त यहाँ की क्या सूरत हाल थी। जी बाबा जी, जब सैलाब आया तो इस वक्त हम तमाम के तमाम बच्चे भी हमारे छोटे बड़े तमाम इकट्ठे हुए, ये आकर बंद बांधा, सारी रात बंद बांधते रहे। 5 बजे के टाइम जब पानी का रेल आया तो उसने बंद तोड़ दिया, वो हमारी बस्ती के अंदर दाखिल हो गया। हमें ना अपने बच्चों को पता चला ना अपना, हम यहाँ पानी में रुके रहे। उसके बाद जो है हमने जाकर देखा कि हमारे 3 मकान भी गिर गए, एक हवेली भी, बाकी अल्लाह की मेहरबानी से बच्चे और सामान मस्जिद के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद फिर हमने बंद बांधना शुरू कर दिया। लेकिन बस्ती वाले हमारे जो शर्की गाने थे या जनूबी गाने, उनके ख्याल में ये बह गए हैं, यहाँ है भी कोई नहीं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से बच गए, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हुआ। हम अभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हमारे बांध की कुछ इमदाद करें तो फिर हम इस पर काबू पाएँ।